साड़ियों के साथ में ये वाला जो बैग है इतना गजब लगता है, इतना बड़ा जो क्लच होता है वो आपके यूज में आता है क्योंकि। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा स्मॉल क्लच कलेक्शन, और ये मैंने कुछ ऑनलाइन लिए हैं, कुछ मेरे लोकल मार्केट से लिए हुए, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है। आप लोग इंटरेस्टेड होंगे क्लच बाय करने में तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्लच आप ले सकते हो। क्लचेस जो होती है गाइज वो हम साड़ी सूट के साथ में ही वेयर करते हैं, मतलब हम उसको डेली डेली नहीं वेयर कर सकते, हम लोग डेली फंक्शन में भी नहीं जाते, लाइक शादी फंक्शन या फिर किसी की सगाई वगाई में हम लोग रोज रोज नहीं जाते ना, तो ये ज्यादा होना भी जरूरी नहीं है आप लोगों के पास में। लेकिन जितने भी हो आपके पास में वो ऐसे हो कि आप उनको बार बार यूज कर सके और वो आपके सारे कपड़ों के साथ में चल जाए। चलिए अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में ये वाला क्लच शेयर कर रही हूँ अपना। ये कुछ मैंने 250 रुपए का लिया था और ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था, अमेजोन से लिया था शायद मैंने, और काफी टाइम हो गया मेरे को इसको लेके। अगर मेरे को इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस टाइप का है गाइस, ये गोल्ड कलर का क्लच है, ऐसी चूड़ी टाइप बनी हुई है, जो प्लेन साड़ी हो या फिर जिसमें भी थोड़ा सा गोल्ड का काम हो ना उसके साथ में ये वाला क्लच बहुत अच्छा लगता है। सबसे कुछ ये ऐसा है, यहाँ पे इसके एक फ्लावर बना हुआ था बट वो निकल गया है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है। गोल्ड में कुछ इसकी ना प्यारी सी डिटेलिंग दी हुई है जिससे कि इसका तो लुक है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। पीछे से भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी है और सामने से भी इसकी फिनिशिंग बहुत सही लगती है मेरे को। इतना बड़ा जो क्लच होता है वो आपके यूज में आता है क्योंकि आप इसमें अपना फोन रख सकते हो, लिपस्टिक रख सकते हो। इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से ओपन होता है और देख सकते हो आप इसमें कितनी ज्यादा स्पेस है। एक कंपार्टमेंट है, एक ये है और बीच में चेन दे दी है। इसकी ना मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती कि इसमें कोई भी स्लिंग नहीं दी हुई है, इसमें वो चेन वाली स्लिंग दी होती ना तो ये बैग बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि उसको ना फिर मैं ऐसे भी कैरी कर पाती। तो मैं लिंक आपको दे दूंगी आप लोगों को बाय करना चाहे तो। ये है जी मेरा फर्स्ट क्लच जो कि मैंने बाय किया था अमेजोन से और मैंने बहुत यूज भी किया है इसको। सेकंड है जी ये वाला क्लच, इस टाइप का है, इसका शेप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये ना इस टाइप से कर्वी शेप बना हुआ है और स्पेशली साड़ियों के साथ में ये वाला जो बैग है इतना गजब लगता है। ये मैंने बाय किया था अपने लोकल स्टोर से और इसमें देख सकते हो आप कितनी स्पेस है, ये देखिए इसमें भी काफी स्पेस है, इसमें भी फोन और थोड़ा एक कॉम्पैक्ट लिपस्टिक आराम से आ जाती है और इस फ्लावर बने हुए हैं ऐसे थोड़े से कमल के फूल थोड़े थोड़े साइड में बने हुए हैं ना, इतने प्यारे लगते हैं। इसका जो कलर है ना थोड़ा सा कॉपरी टाइप में है, मतलब एकदम गोल्डन वाला नहीं है, थोड़ा सा डल गोल्ड बोल लो आप वैसा कोई कलर है इसका ना। स्लिंग भी दी हुई है तो ये बहुत अच्छा है, स्लिंग के साथ में भी कैरी कर लेती हूँ, ऐसे भी पकड़ के भी मतलब कैरी कर लेती हूँ। तो पास में कोई साड़ी, प्लेन साड़ी हो, ब्लैक साड़ी हो या फिर पूरी गोल्ड साड़ी हो या फिर आप गोल्ड सूट पहन रहे हो उसके साथ में भी ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी प्लेन हो आपका, आपके इसमें कोई भी मतलब ज्यादा वर्क नहीं हुआ ना तो उसके साथ में ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये है जी मेरा सेकंड क्लच। के बाद है ये वाला क्लच, ये मैंने मीशो से रिसेंटली में बाय किया है, टाइम नहीं हुआ है मेरे को लेके। कुछ इस टाइप का है, ये ग्रे कलर में है और यहाँ पे ना इसके बहुत ही प्यारा शिमर दिया हुआ है तो ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे कपड़ों में ना सिल्वर टोन होती है, सिल्वर कलर के उनके स्टोन का वर्क होता है या फिर पिंक कलर की साड़ियाँ पहनते हैं लाइट पिंक सी, उसके साथ में ये बहुत प्यारा लगता है सच में। आप यकीन मारो आपकी पिंक सिंपल साड़ी हो या पिंक सिंपल सा सूट हो उसके साथ में ये इतना ज्यादा अच्छा लगता है गाइस। ये बहुत बड़ा साइज का मुझे मीशो से मिला था, मैंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि मुझे इतना बड़ा मिलेगा बट ये बहुत सही मुझे बैग लगा। और ये कुछ ऐसे ट्विस्ट करके ओपन हो जाता है, मैंने इसका पूरा रिव्यू अपने चैनल पे किया है आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ में स्लिंग भी दी हुई है और स्लिंग की क्वालिटी भी बहुत गजब है और स्पेस देखिए आप इसमें कितना ज्यादा है, कॉम्पैक्ट, एक फोन और चार पांच चीजें, छोटी सी पानी की बॉटल भी आ जाएंगी इसमें, इतना ज्यादा बड़ा बैग है ये और लगता भी इतना ज्यादा स्टाइलिश है ये। जैसे इसको बंद कर दो तो ये बंद भी हो जाता है, देखिए ऐसा बंद हो जाता है और पीछे में भी इसके ना एक छोटी सी चेन दी हुई है जिसमें आप ऐसे चिल्लर या आपके कॉइन वॉइन रख सकते हो। और देखिए इसमें भी कितना बड़ा कंपार्टमेंट दिया और ये देखिए इसकी स्लिंग, आप देखिए कितनी ज्यादा लंबी इसकी स्लिंग है, क्रॉस करके भी आप इसको वेयर कर सकते। अब बारी आती है सबसे लास्ट क्लच की जो कि है ये। इतना कलर रेड नहीं है जैसा कैमरा पे दिख रहा है, वैसा कलर नहीं है इसका, ये थोड़ा सा मरून और डार्क कथिया टाइप नहीं होता है कि वैसा कलर है इसका। और ये मैंने महंगा लिया था, ये 850 या 900 रुपए का क्लच था और ये मैंने अपने लोकल स्टोर से ही लिया था। और ये देखिए आप ये कितना प्यारा क्लच है, पूरे स्टोन की इसमें डिटेलिंग दी हुई है और ये वेलवेट का है और इस टाइप से इसको ऐसे करो ना तो इसमें कलर भी चेंज होता है, तो बहुत सॉफ्ट वेलवेट का है ये, साड़ियों के साथ में सूट के साथ में बहुत प्यारा लगता है और मतलब
बिल्कुल ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है आपके पूरे आउटफिट में। इस टाइप का अगर आपने कोई वेयर करे हो ना, तो आपको पक्का कोई ना कोई नोटिस करेगा। इसमें कितनी ज्यादा स्पेस है गाइज, इसमें भी आराम से फोन, छोटी मोटी चीजें आप कैरी कर सकते हो। और इसमें भी ये एक चेन दी हुई है, मतलब मैं कैरी करती हूँ, तो इसका ये जो बंद होने वाला है ना सिस्टम, ये भी बहुत सही है। इसके अंदर में भी एक छोटी सी स्लिंग दी हुई है, ये बहुत बड़ी नहीं है लेकिन ऐसे हाथ में पकड़ने के लिए बहुत अच्छी स्लिंग दी हुई है। मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये कितनी प्यारी स्लिंग दी हुई है, ऐसी मोतियों के काम की। तो ये भी मेरा बहुत फेवरेट क्लच है। अगर आपको भी इस टाइप का कोई क्लच मिले तो आप भी बाय कर सकते हो। तो यस, यही था मेरा स्मॉल क्लच कलेक्शन। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, इतने मेरे पास बहुत है और मुझे इतनों की ज़रूरत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है और आपने इंजॉय करी है वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।